दोस्तों, अगर आप भी धनी पे का पैसा पे नहीं करोगे तो आपके पास ऐसा मैसेज आएगा। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप EMI पे नहीं करोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो जमीन है, उसे कुर्की कर लिया जाएगा। कितना सत्य है, कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में आज हम पूरा इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। मेरा आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, लोन दो टाइप के होते हैं, सिक्योरिटी लोन और अनसिक्योर्ड लोन। और धनी पे कंपनी आपको अनसिक्योर्ड लोन देती है, 5 से 10 हजार, 25 हजार, 1 लाख 50 हजार का लोन देती है। पैसा पे नहीं करते हो तो बैंकों में ECS बाउंस कर करके कम से ना कम आपके अकाउंट से इतना माइनस कर देती है, आप सोच भी नहीं पाओगे। अगर आपका पैसा टाइम से नहीं देते हो, कोई गलती करते हो, तो ऊपर से हरेशमेंट कॉल आएगा और इसके बाद आपके पास मैसेज, लीगल नोटिस, धमकी भरे कॉल, तरह तरह की तरफ से इंक्वायरियाँ होती है। अब यहाँ पे दोस्तों, ये जो मैसेज आ रहा है कि इसमें आपकी प्रॉपर्टी हम कुर्की कर लेंगे, हम दीवानी में केस करके, कोर्ट में केस करके, क्या ये सही है? दोस्तों बिल्कुल गलत है। कोई भी कंपनी 2000, 4000, 5000, 10000, 50000 अनसिक्योर्ड लोन में कभी भी आपकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर सकती है। हाँ, जब्त कब कर सकती है? पहले कोर्ट में केस करेगी, कोर्ट में प्रूफ करेगी किस टाइप का लोन था, कैसा लोन था, और लोन कब दिया गया था, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था, सारे रूल्स और नियम वहाँ पे बताए जाएंगे इसके बिहाफ पे। फिर कोर्ट जब मंजूरी देगा, जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रहेगी वही अटैच होगी। अगर आपकी वाइफ के नाम पे है, आपके बच्चे के नाम पे, तो अटैच नहीं होगी। तो इस बिहाफ पे आपका जो भी लोन अमाउंट है उसके बिहाफ पर चार्ज लगा के ये चीज़ें हो सकती है। बट इसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, फिर जाके एक कोर्ट मंजूरी देती है। बट कोर्ट इतने आसानी से मंजूरी नहीं देती है। देखिए, कोई भी लोन हो, चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे सिक्योरिटी लोन हो, हर लोन में कंपनी का अधिकार है पैसा वसूल करने के लिए। बट इतना बात सत्य है, कंपनी अगर चाहेगी तो कोर्ट में केस करके और परमिशन लेके एक काम कर सकती है। पर जो धनी पे की बात है, जो मैसेज आ रहे हैं कि 5000 रुपये का लोन है, हम जमीन को प्रॉपर्टी को कुर्की कर लेंगे, दोस्तों ऐसा नहीं है। 5000 रुपये का लोन है, कोर्ट में केस करेंगे तो आप दिमाग लगाइए कि 5000 रुपये के पीछे उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों अगर ऐसा मैसेज आता है तो डरना मत, बट मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इन लोग से लोन आप कम लीजिए। देखिए, गलती आप लोग की है, आपने गलती को मानिए, 100% मानिए। आप लोग यार क्यों इसे कंपनी से लोन लेते हो? आप लोग जो कंपनी, अगर मान लो, देखो मैं आपको बता दूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बोलूँगा, ना आपके तरफ का ना कंपनी के तरफ का। देखिए, जब इंसान कोई प्रॉब्लम में आता है तभी लोन लेता है, और अगर पैसों की दिक्कत रहती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तभी वो पे नहीं कर पाता है, नहीं तो कौन कर्ज में रहना चाहेगा। तो बट ये जो कंपनियां हैं, ये लोग इस चीज़ को नहीं समझती हैं। ये पैसा लेने के लिए पूरी तरीके से लीगल नोटिस धमकाती हैं, डराती हैं। आप लोग तरह तरह के मन में ख्याल आते हो, आत्महत्या करने की सोचते हो, बट ये गलत है, ऐसा कभी मत सोचना। बट मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कस्टमर को सपोर्ट करोगे तभी कस्टमर आपसे लोन ले पाएगा। बट मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि सो प्लीज़, अगर इस तरीके का कोई भी कंपनी आपको डराती है, धमकाती है, लीगल नोटिस की बात करती है, कोर्ट जाने की बात करती है, तो उसे कभी डरना मत। बट हाँ, पैसा है तो पैसा जरूर पे करना, किसी कंपनी का पैसा बेमानी मत करना। देखिए, मैं बार बार हर वीडियो में क्यों बोलता हूँ, गलती आप खुद करते हो और बाद में दोस्तों कंपनी का, तो कंपनी ने पैसा दिया है तो पैसा अपना तो लेगी, जाहिर सी बात है। बट कुछ चीज़ें सही भी होती है, कुछ चीज़ें गलत भी होती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लोन कभी भी आप लेना सोच समझ के लेना, बहुत इमरजेंसी नीड है तभी लेना, सेविंग मनी करो, बट इनसे दूर रहो। लोन लोगे तो आपके पर कर्ज बना रहेगा और कर्ज आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ऊपर से धमकी भरे कॉल भी आएंगे। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो डरना मत, और जो मैसेज में लिखा है कि आपकी प्रॉपर्टी कुर्की कर ली जाएगी, इतना आसान नहीं होता है कुर्की करना, समझे ना। बट मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप जितना हो सके इनसे लोन कम लीजिएगा। अगर आप लोन किसी कंपनी से कम लेंगे तो ऑटोमेटिक वो कंपनी अपने इंडिया में रन नहीं कर पाएगी। आप लोग लोन लेके बढ़ावा देते हो, गलती आप करते हो। आप सोचिए, अगर एक दुकान, किसी ने दुकान ओपन किया है या किसी ने अपनी कंपनी ओपन किया है, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, और उसकी प्रोडक्ट अगर आप लोग खरीदोगे, अधिक यूज करोगे, तो भाई उसका तो प्रोडक्ट बिकेगा ना। जब बिकेगा तो उसको बेनिफिट होगा, अगर बेनिफिट होगा तो वो आदमी यहाँ से यहाँ ऊपर ऊपर ऐसे उठता जाएगा।
तो आप लोग जितना हो सके इनसे लोन कम लो, और देखो कैसे नीचे जाते हैं, बट आप लोग मानते नहीं हो। आप लोग सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने भी धनी से लोन लिया था, पे करके हाथ जोड़े अपना अकाउंट ब्लॉक करवा लिया। दूर रहिए, दूर नहीं रहोगे तो ऐसे नोटिस आते रहेंगे, क्या पता ये लोग आपको जो है लीगल तरीका भी अपना के आप लोग को और परेशान कर दें। सो प्लीज़ मैं आपको सलाह दूंगा, पैसे सेविंग करो, वह फिर काम हमेशा आएगा। ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है, इसे शेयर करना दोस्तों में। क्या मैंने जो कहा सही कहा गलत कहा, क्या आपने भी लोन लिया है, क्या आप पे नहीं कर पा रहे हो, सो प्लीज़ आप कभी इनसे डरना मत, पैसा अगर होगा जरूर पे कर देना। बट मेरी कंपनी से विनती की सो प्लीज़ इस तरीके का मैसेज देकर किसी को मत डराओ, क्योंकि अगर कोई आत्महत्या करेगा, कोई ऐसा गलत काम करेगा तो इसमें आपके ऊपर ब्लेम आएगा। ऐसा कोई गलत काम मत करो, पैसा आप दे रहे हो तो अगर आप कस्टमर में विश्वास करके ट्रस्ट के पैसा दे रहे हो तो विश्वास भी करना सीखो, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो ओनली विश्वास के तौर पर दे रहे हो। कौन सा प्रॉपर्टी उनसे कार्ड लिए हो कि भाई हमसे कोई आपने लिखा पढ़ी करवाया, आपने एक आधार कार्ड पैन कार्ड लिया है, सिविल आप गिरा सकते हो, कुछ नहीं होता है। बट पैसा किसी का भी मानी मेरे दोस्तों कभी मत करना, पैसा पे करना। बट धनी से मेरी जो विनती है, सो प्लीज अगर धनी वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि आप अगर अपने इंडिया में अगर आप अच्छा काम करोगे तभी आपका नाम होगा, क्योंकि और भी कंपनियां हैं मार्केट में, बट ऐसा काम मत, क्योंकि आपकी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे धनी के बारे में काफ़ी शिकायतें हैं। सो प्लीज़ मेरी विनती है, खुद गलत काम मत कीजिए, ना किसी गलत होने दीजिए। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना।